शायरा बानो, जिन्होंने 70 के दशक में अपनी अदाकारी से सभी के दिलों में राज किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। शायरा बानो जी का जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी उत्तराखंड में हुआ था। इनकी माता का नाम नसीब वाली है, जो कि वो भी एक अभिनेत्री थी। इनके पिताजी का नाम मियां एहसान उल हक है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय इनके पिता पाकिस्तान जा बसे और इनकी माँ बेटी और शायरा और इनके बेटे सुल्तान को लेकर लंदन जा बसे। इनकी पढ़ाई एलिट स्कूल लंदन से हुई। उसके बाद उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई भी लंदन से ही की थी। वैसे तो यह समय समय पर अक्सर भारत घूमने आया करती थी। तब भारत में दिलीप कुमार हर जगह छाए हुए थे। शायरा बानो जी का फिल्मी करियर, उन्होंने साल 1961 में शम्मी कपूर जी के साथ बॉलीवुड फिल्म जंगली से अपने करियर की शुरुआत की थी। तब इनकी उम्र ज्यादा खास नहीं थी। यह बचपन से ही दिलीप कुमार जी की बहुत बड़ी फैन थी। उनकी हर फिल्म में यह देखा करती थी, इसीलिए उन्होंने 22 साल की उम्र में ही दिलीप कुमार जी से 11 अक्टूबर 1966 को उनसे शादी कर ली। दिलीप कुमार जी शायरा बानो से 22 साल बड़े हैं। वैसे तो इन्होंने अपनी फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद भी आया था। एक समय ऐसा था जब यह 60 के दशक में सबसे ज़्यादा महंगे अभिनेत्री में आती थी। 60 और 70 के दशक में शायरा बानो जी एक सफल अभिनेत्री की तरह बॉलीवुड में अपनी जगह बना चुकी थी। लेकिन साल 1968 की फिल्म पड़ोसन ने उन्हें दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय और भी ज़्यादा बना दिया। इस एक फिल्म ने उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट का काम किया था। इसके बाद उन्होंने गोपी, सगीना, बैराग जैसी हिट फिल्मों में दिलीप कुमार जी के साथ काम किया। सरगिर्द, दीवाना, चैताली जैसी फिल्मों में शायरा बानो जी का अभिनय बहुत ही अच्छा रहा। बॉलीवुड में जब भी कोई प्रेम कहानियों और रोमांटिक जोड़ियों की बात आती थी तो शायरा बानो और दिलीप कुमार जी का जिक्र जरूर होता था। दोनों की मुलाकात, प्यार और फिर शादी की कहानी बिल्कुल फिल्मी जैसा ही लगता था। शायरा बानो जी ने 1966 में 22 साल की उम्र में दिलीप कुमार जी के साथ शादी की थी और उस समय दिलीप कुमार जी खुद 44 साल के थे। उम्र का यह फासला कभी भी इन दोनों के प्यार के बीच नहीं आया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।